और राइट गाइस, तो आज का वीडियो हम लोग खेलने जा रहे हैं फिर से क्राफ्ट वर्ल्ड। तो गाइस यार, पिछली बार वीडियो में हम लोग नेदर पोर्टल से बाहर निकल आए थे, तो और हमको बहुत सारा गोल्ड भी मिला था। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग बनाने वाले भाई गोल्ड लैम। तो गाइस यार, गोल्ड लैम जो होता है वो आयरन से बनता है, और वाइस वो जो गेम के जो मॉब्स हैं उनको अपने पास आने से रोकता है, मतलब उनको जान से ही मार देता है। तो चलो भाई, गोल्ड लैम बनाते हैं अपन लोग आज। और गोल्ड लैम बनाने के लिए गाइस मुझे चाहिए बहुत सारा आयरन, मतलब कि कितना आयरन मेरे पास आ रहा है भाई, 6 इंगॉट से तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस 9 इंगॉट का तो एक ब्लॉक ही बनता है। तो मेरे को भाई आयरन की ज़रूरत है बहुत सारे। तो गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मेरे को भाई चाहिए, मतलब इंगॉट तो चाहिए ही चाहिए, मतलब कि मेरे को बहुत सारा आयरन चाहिए। तो अभी मेरे को माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। देखो भाई, मैं तुमको दिखाता हूँ, यह है आयरन ब्लॉक, और इसके लिए भाई कम से कम मेरे को 9 इंगॉट चाहिए। एक उससे भी सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा गाइस, मतलब कि बहुत कंजूस है यार ये। ठीक है, इंगॉट को वापस रखते हैं, और भाई इधर से माइनिंग के लिए चलते हैं जल्दी से। वैसे मेरे को अभी भाई मैंने कोई केव वेव देखी ही नहीं है कि कहाँ पर अपन को मिलेगा आयरन, तो चलो अपन ढूंढेंगे केव को और उधर से लेके आएंगे बस। ठीक है, मैं निकल गया हूँ भाई, और मेरे को दूर दूर तक कोई केव दिखाई नहीं दे रही है। देखो सामने नेदर पोर्टल है जहाँ पे मैं निकलता हूँ, मतलब कि जाता कहीं और से हूँ निकलता कहीं और से हूँ। ठीक है भाई, चलो भाई, दूर दूर तक कोई केव दिखाई नहीं दे रही। खाना खा लेता हूँ भाई, भूख लगने लगी। ठीक है, देखो भाई अभी इधर से आया हूँ रास्ता ना भाई, ये देखो सामने भाई केव अपने, केव नहीं वैसे भाई, ये तो बहुत गहरी लग रही है, अगर डायरेक्ट इधर से कूदा तो मारा जाऊंगा। और राइट गाइस, तो अभी इधर से मेरे को थोड़ा धीरे धीरे करके उतरना पड़ेगा। ये इधर क्यों आ गई भाई, ये मर गई भाई उधर ही। ठीक है भाई, अभी अपन को इधर से थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे उतरना पड़ेगा, वरना भाई मैं इधर से एकदम से गिरा ना तो मर भी सकता हूँ, भले ही मैंने आर्मर पहना है। ओ भाई लगी भाई, बहुत जोर की लगी, दो दिल चले गए अपने, दो हार्ट। अब तो नहीं, अब नहीं गिरेगा। ठीक है भाई, देखो भाई इधर मेरे को शुरू में ही आयरन मिल चुका है, मतलब दूर से ही दिख रहा था ये, तो जल्दी से ले लेता हूँ ये आयरन। में बहुत सारा आयरन मिलेगा भाई, आज माइनिंग करना है, आज फुल माइनिंग के मूड में हूँ। वैसे मैं ज़्यादा अंदर जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि गैस मेरे पास टॉर्चेस बहुत कम है और अंदर अंधेरा बहुत है, तो मेरे को ऐसे एक ही टॉर्च से काम करना पड़ेगा। ओ भाई मैं फिर गिर गया। और फिर ये क्या है भाई, मेरी ऐसी तैसी निकल, कहाँ गया ये, क्या है भाई, गया फाइनली भाई, मर गया भाई, अभी अपन को खाया था ये। देखो भाई इधर बहुत सारा आयरन है भाई, आयरन की कमी नहीं है इस गेम में। चलो भाई जल्दी से आयरन निकाल लेता हूँ सारा, ये टॉर्च लगा दूँ भाई, एक ही टॉर्च लेके आया हूँ, मतलब कि टॉर्च बहुत हैं पर ला नहीं पाया मैं, निकाल लेते ये। और राइट गाइस, बहुत सारा भाई देखो मेरे को इधर गोल्ड मिला है, गोल्ड निकालते हैं भाई चलो जल्दी से। वैसे ठीक है भाई, एक मिनट भाई, ये गोल्ड मेरे को भाई, मैं गोल्ड की पिक्सल्स पिकेक्स से खोद रहा था भाई, मेरे को गोल्ड मिला ही नहीं। अगर इधर ये कुछ है भाई, ये भी मेरे को गोल्ड के पिकेक्स में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है भाई, अब सिर्फ आयरन की पिकेक्स को दूंगा भाई, बहुत मटेरियल वेस्ट कर दिया मैंने। ओके, इधर अब कुछ बचा नहीं है, उधर एक गुफा है जिसमें मैं फिर कभी जाऊंगा भाई, अभी मैं गुफा में वहाँ नहीं जाऊंगा, अभी जितना आयरन इधर से मिल रहा है उतना ले लेता हूँ मैं। ओके गाइस, इधर मेरे को एक ये रेड स्टोन मिला है, और अभी पता नहीं इससे क्या होता है, कुछ होता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना इससे होता क्या है। और रेड गाइस देखो, मेरे को इधर और रेड स्टोन मिला है, लेकिन भाई ये इस गोल्ड से तो मिलेगा नहीं, गोल्ड की पिकेक्स से। फिर ये काम की क्या है भाई गोल्ड की पिकेक्स, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ओके,
इधर और भाई ये इस पे मार देना तो ग्लो करता है ये वाई। ये देखो भाई मतलब आयरन गोल्ड तो नॉर्मल है, लेकिन अगर यहाँ पे डायमंड मिल जाए ना तो मज़े ही आ जाते हैं एकदम। और भाई ये इतना सारा डायमंड मिल रहा है, मतलब मज़े ही आ गया भाई, पार्टी हो गई आज तो तगड़ी वाली। भाई जल्दी से निकाल लेता हूँ ये सारा डायमंड, इससे पहले कोई क्रीपर वीपर आके मेरा सारा नुकसान कर जाए। अगर कैसे ये पत्थर में जब थोड़ा भी मारते हैं ना अपन तो ये ग्लो करने लगता है, मतलब है क्या चीज़ यार ये, कुछ तो होता होगा। इससे ले लेता हूँ भाई मैं, ज़रूरत पड़ेगी भाई ऐसी मतलब चीज़ मेरे को, ये पहली बार देखी तो मैं ले लेता हूँ। ये देखो भाई इधर एक कोर लगा है, बाकी इधर भी एक जंग आया तो इसमें मैं बाद में जाऊँगा भाई, अभी मैं ज़्यादा अंदर घुसूँगा नहीं। इधर ये भी ले लेते हैं। और राइट गाइस, तो अभी इधर से निकलने का वक्त आ गया है अपना, बहुत सारा मैंने मतलब कि आयरन जो है जमा कर लिया है इधर से, और भी है पर भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को गोल्ड एम भी बनाना है, तो घर चलते हैं जल्दी से। अभी देखो मैं इस तरह जा रहा हूँ घर, क्योंकि इधर वापस जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा भाई। फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और रात हो चुकी है, तो अभी क्या है ना मैं इनको इधर पिघलने के लिए धर दूंगा और सोने चला जाऊँगा। ठीक है भाई, कोयला डालो, सारा का सारा आयरन डाल दो। ठीक है भाई, एक मिनट भाई, इधर चिकन भाई, चिकन रख रखा था मैंने इधर। ठीक है भाई, अब जलेगी भट्टी, चिकन वगैरह इधर रख देते हैं अपन, खाने की चीज़ सारी मैं इसी में रखता हूँ। ओके, लीव बैट, सोने का वक्त है। ऑल राइट गाइस, सुबह हो चुकी है, और अब क्या करना। हाँ भैया, अब अपन को पम्पकिन चाहिए, तो मैं पम्पकिन ढूंढने के लिए चलता हूँ अभी। ये सारी चीज़ें चाहिए भाई, पम्पकिन भाई मेरे को इधर ही कहीं पे मिला था। देखो ये भाई, ये मेरे को बहुत पहले देखा था, तो ये अभी तक रखा है, अच्छी बात है। ले लेते हैं भाई पम्पकिन भी, बहुत सारा पम्पकिन है वैसे, ले लेता हूँ भाई, पूरा लेके जाऊँगा, क्या पता ज़रूरत बाद में पड़ जाए। और भी बनाऊँगा भाई मैं, एक गोलेम नहीं तो अपन को ज़रूरत पड़ेगी, वैसे अभी तो मेरे पास एक ही का स्टॉक है। ठीक है गाइस, इधर से जितना भी इंगॉट बनाया मैंने सारा ले लिया, अभी कितना हो गया भाई, तेज़ ही हुआ है अभी तो, टाइम लग रहा है भाई पिघलने में, टाइम लगता है। ठीक है भाई, दो ब्लॉक ही बन पाए। देखो भाई इतना सारा आयरन था और उसमें सिर्फ दो ही मतलब है ना। ऑल राइट गाइस, तो मेरे पास चार मतलब कि चार आयरन ब्लॉक हो चुके हैं, जो कि काफ़ी हैं एक गोलेम बनाने के लिए। ठीक है गाइस, इधर रखते हैं भाई अपन अपने, इधर बनाऊंगा मैं गोलेम, ये एक और ये दो, एक इस साइड लगेगा अपना और एक लगेगा इस साइड। अभी भाई ऊपर मेरे को पम्पकिन लगाना है अभी सही तरीके से, पर मैं इसको लगाऊँ कैसे, ये तो लफड़ा हो गया। ठीक है भाई, इधर से इसको ओके, अब मैं चढ़ के लगा सकता हूँ, पर क्या ये बनेगा भाई, मैंने इधर पत्थर लगा दिया। ओके, बन गया फाइनली अपना गोलेम। और राइट गाइस, तो अब देखो भाई मैं तुमको एक छोटा सा, ये अपना गोल है, मैं अब मैं इसका थोड़ा आपको मतलब कि वो करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ देखो। ठीक है गाइस, तो देखो भाई इधर मेरे को मॉब ढूंढना था भाई, मेरे जो ट्री लगाए थे वो उग चुके हैं, लेकिन भाई इधर बड़े हो गए हैं बहुत। अभी एक ट्री भाई ये लगाया था मैंने, ये अभी नहीं हुआ है। ठीक है, देखो मेरे को एक मॉब मिल चुका है, ये मकड़ी, तो इसको मारूंगा भाई मैं, कहाँ है भाई, ठीक है इससे मारूंगा मैं इसको, और इसको अपने पीछे भगाऊंगा, और इसको मैं भाई उस गोलेम के पास लेके जाऊंगा, और वो गोलेम इसको मारेगा भाई तगड़, ये भी मार रही है भाई। ये देखो भाई ये गोलेम भग के गया, और ये भाई इसको एक ही शॉट में मार डाला है ना भाई, तगड़ी चीज़, कमाल की चीज़। मतलब ये अब अपने जो मतलब फार्मर है ना, इसकी फार्म है, उसकी रक्षा करेगा, मतलब कि उसको बॉडी गार्ड बनेगा। और राइट गाइस, तो आज का वीडियो में बस इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।